विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने, गुणवत्ता बढ़ाने और ढांचागत विकास के लिए बजट में 8024 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष राजकीय प्राथमिक पाठशाला डरोह के प्रांगण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित समग्र शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक एवं दूरगामी परिवर्तन होंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए इस भविष्यमुखी नीति को राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा ढांचे को और अधिक मजबूत करने की दिशा में प्रयास करने पर बल देते हुए सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी को कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज में अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो समाज के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में कार्य करते हैं। उन्होंने अध्यापकों से बच्चों को संस्कारित एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने का आह्वान किया, जिसमें बच्चों को उनके अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने सभी से स्वामी विवेकानंद के शिक्षाओं और उनके दर्शाए मार्गों का अनुसरण करते हुए जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की अपील की है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षा क्षेत्र में सेवा दे चुके BEEO, CHT, HT और JVT अध्यापकों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया। इससे पहले BRCC शिव कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और समग्र शिक्षा संवाद कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध करवाई। अशोक कुमार की शहादत पर विधानसभा अध्यक्ष ने संवेदना प्रकट की। श्रीनगर के लावेपोरा में आतंकी हमले में शहीद अशोक कुमार की शहादत पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने गहरा दुख प्रकट करते हुए अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद अशोक कुमार CRPF में कार्यरत थे और सुलह हल्के के धीरा उपमंडल के कनाफट के रहने वाले थे। परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में शोक संपन्न परिवार के साथ है। कश्मीर के लावेपोरा श्रीनगर में तैनात थे। श्री अशोक कुमार सुलह हल्के के गांव देरू कानफट के निवासी थे। मातृभूमि की रक्षा में श्री अशोक कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दे दिया आप और शहादत गले लगा दी। तो इस मौके पर वैसे उनका शरीर आज शाम तक या कल सुबह पहुंचेगा, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी यहां पर इकट्ठे आए हैं, हम उनकी याद में 2 मिनट का मौन अवश्य रखें। अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। धन्यवाद। पत्रकार भाई भी यहां पर आए हैं। था कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा स्कूलों के कमरों के निर्माण के लिए पैसा भेज दिया। 1 करोड़ नहीं, कई करोड़ भेज सकते हैं, क्योंकि जब मैं शिक्षा मंत्री से बात करता हूं, डायरेक्टर एलिमेंट्री से बात करता हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करता हूं, वो कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं, पर ढांचा मजबूत होना चाहिए। इन कमरों में कमरे बच्चों से भरे हुए दिखने चाहिए। ये जो ग्राउंड है, इन बच्चों इन खेल के मैदानों में, खेल के इस मैदान में सुबह की प्रेयर में 50 नहीं 200 बच्चे दिखने चाहिए। ये सब काम किसी के जिम्मे नहीं, ये काम पूरे समाज का है। उस समाज में मैं भी आता हूं, उस समाज में आप भी आते हैं, और उस समाज में हमारे आंगनबाड़ी की बहनें यहां पर आती हैं, उस समाज में हमारे पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, क्योंकि आपका संपर्क जनता के साथ है। आपसे लोग मिलने के लिए आते हैं, आपसे लोग सलाह लेने के लिए आते हैं, क्योंकि आप जब व्यक्ति संकट में होता है तो गांव के लोगों को लगता है कि मैं अगर अध्यापक, ये मेरे गांव का अध्यापक है, मैं इससे सलाह लूंगा। जैसे अगर कोई बीमार पड़ जाए